तो गाइस ये रही हमारी बहन रितिका, इस घर की नौकरानी। पागल इसे मत बना, मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि मेरे पास पैसा बहुत है और मेरी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि मैं जो ये पोछा लगाती हूँ ना, महीने के 500 रुपए मिलते हैं। 500 रुपए तो कुछ ज्यादा नहीं बता रही, एक रैप्ट अभी तो मिलता है। जल्दी काम कर, जल्दी जब भी पैसे मिलेंगे इसके पैसे काट लेना। मम्मी और मम्मी इसके पैसे काट लेना अगर इसने काम नहीं करा तो। मम्मी के सिर पर मत ना चढ़ा, मम्मी की तबीयत ठीक ना। मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया मम्मी, मम्मी मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया? पूछ रहा, रोटी बना दे ना, रोटी बना दे। ठीक है, ये बनाऊंगा। बना मम्मी, देना जा रहा चूल्हा और वो चूल्हा था। क्या बनाऊंगा मैं? बनाऊंगा आज प्याज का भरता, वो भी अपनी बहन के लिए। मुझे बेकार की दीदी बना रहा है तू, मेरे को रोल आ रहा। क्या बोली, बेकार बेकार बोला तूने? इधर को दिख रही है, बेकार बोल रही, बेकार। कैसा बनाता हूँ मैं, कैसा बनाता हूँ मैं खाना, कैसा बनाता? बहुत गंदा। चलो गाइस कोई बात नहीं, इसको मेरे खाने की कदर नहीं है, पर मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ये सिर्फ मेरी बीवी को पता होगा। आगे अभी है नहीं, होने वाली है। हम नहीं, हमें भी पता लगवा दे। तो गाइस मैं पकड़ा गया हूँ गाइस। तो गाइस मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। गाइस मैं नहा ली हूँ, वो अलग बात है कि मैं लगना रही नहाई धोई सी, और मेरी मम्मी भी जानी बीमार है लेकिन फिर भी काम कर रही। मम्मी मुझे बढ़ाना ना, तुम बीमार क्योंकि बताओ मुझे करना पड़ा फिर काम ऐसे। तो गाइज आज एक शूट करना है मुझे, जिसमें कि ना मुझे स्कूल की ड्रेस पहननी है, तो मैं अपनी सारी स्कूल की ड्रेस निकाल रही थी तो मेरे को ना याद आ रही है अपने स्कूल की। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी स्कूल की ड्रेस में, और ये पीछे ये 12वीं क्लास का लड़का है, ये 12वीं में ही है 6 साल से पिछले, और ये रंजन तैयार हो रहा है इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है, देख लो सही है। नहीं कहीं चला जाएगा, यहाँ रहेगा, यहाँ तेरे ज्यादा बदमाशी चल रही। कभी ये बनता है बदमाश, कभी मैं, हमारे दिन बटे हुए हैं, किसी नहीं बनते हैं। रंजन तुम भी बनते हो बदमाश। छत्तीस इंच की रंजन का टैलेंट नहीं पता, तो जो ऊपर इतने बड़े बिल्डिंग से भी कूद जाएगा। हाँ तेरे को नहीं आता, रंजन कह रहा वो सुसाइड है। ये कर चुका है ये, हैं पहली मंजिल से करा था क्या? कुछ हुआ नहीं, चलाओ के दोबारा चला के चिंची चिंची। और एक पड़ोस वाले ने कह दी कोई बात नहीं, चीटिंग में पर अंकल जी मरना तो मुझे था, चीटी क्यों बनी? छोटा बच्चा गिर जाने में कोई बात नहीं, चीटी मरे बना सकते। प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। तो गाइस मेरा हो रहा मेकअप ट्यूटोरियल बन रहा, मेरे साथ कीर्तन में चलोगी? हाँ दीदी ठीक है, एक नजर तो उतार दे ऐसे। अरे रुक, काला टीका लगा, नाक में लगाना, यहाँ यहाँ लगा, खुद बता रहा, खुद बता रहा कहाँ लगाना है तुझे, बड़ी पता। चल नौचंदी मेले में, चल चल नौचंदी में, चल। ये देखो इस मोटे ने यहाँ के सारा खाना खा लिया। सब खा जाऊंगा, अब क्या प्लेट भी खाओगा? चल रंजन के, रंजन तेरी सारी हरकतों को नोट कर रहा। तो क्या कर लेगा ये एहसान? एहसान के मम्मी बिगड़ना ना ज्यादा।
मम्मी यार ब्याह करवा दो मेरा। अपना काम कर, तेरे दहेज रिश्ता रहे हमेशा। इसकी बात ब्याह में रुकती है। तो करने लगे एक्टिंग? नहीं, ये एक्टिंग नहीं थे, नेचुरल था। इसके छोड़ो तो मेरा करवा दो। तेरा तो सारे किसके करके खवा देगी तू। मम्मी अपने घर में तो कर ही लूंगा। वाओ, अपना घर, अपना घर। अब साहब साहब 10 रुपया दे दो साहब। इसकी पसली तोड़ो पहले तो। गाइस, ये सरकार से नौकर बन गया। मेरे घर से काम काम बोलो बोलोगी? उसे क्यों संभाल रहे हो? उसे संभाल ये संभालने लायक नहीं है। ये कौन सा नौकर है जो साहब इसके पसीने पोंछ रहा है? तो गाइस, हम स्कूल से बंक मार के हम यहाँ आ गए। अब हम वीडियो बनाएंगे। दिखाओ मुझे, दिखाओ, इधर आ जाओ। हम बंक मार के आए हैं, बने आज सब बंक मार के आए हैं। और ये हमारा लीडर है, ये कहीं हमें फिल्म दिखाने ले जा रहा है। यूं कह रहा, फिल्म देखो मत, बनाओ। सही तो कह रहा हूँ। डायरेक्टर को बुलाया है? डायरेक्टर साहब का कैमरा है। डायरेक्टर साहब ये नहीं, ये हमारे पीटी सर भी हमारे साथ आ गए। ये हमारे पीटी सर हमारे साथ आ गए। अपना रोड़ा चलता है स्कूल में। और ये है मृगाक्षी रोड़ा, ये नई स्टूडेंट है, इसको हम बिगाड़ रहे हैं धीरे धीरे। गाइस, मैं तो नई थी आज, मैं पहले दिन ही आई थी और ये मुझे ये हाल ही है। तो आपको कैसा लग रहा है इस बंक पाके? ए, क्या ये चॉकलेट भी देने लग गए? क्या हो रहा है? बंद करो कैमरा, कैमरा बंद करो। गाइज, अब मैं जा रही हूँ घर। और तो गाइज, अभी शूट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस लड़की को जाने की जल्दी पड़ गई है। यार मैं कितनी कल्लो सी लग रही हूँ। तू है ही कल्लो, कल्लो रानी बड़े से आनी। इसकी हाय ले लेना। ओ सॉरी, इसकी हाय नहीं, मतलब इसकी हाय ले लेना। तो गाइज, फिर एक हमारी आंटी ने खाटू श्याम जी का कीर्तन कराया था, तो मैं चली गई फिर वहां पे। गाइज, मम्मी तो बीमार हो ही रही थी और मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, मेरा गला बैठ गया। 2-3 दिन से मैं दवाई ले रही थी, लेकिन डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया था गले में। फिर मैंने सोचा दवाई कब तक लूँगी, मैंने छोड़ दी। और आज इतना बुरा हो गया मेरा गला। मम्मी, मैं क्या करूँ? दवाई ले। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दूँ क्या? ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।